हेलो यारो, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर आपको मेरा रिव्यू देने का ढंग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। खैर, इस साल की लास्ट रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ, जो कि है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज़ हुआ वेब सीरीज़ आर्या पार का। सीरीज़ में स्टोरी कुछ ऐसा है कि देवघाटी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो बाहरी दुनिया से फुल्ली अलग जंगल में रहते हैं, ना कोई लेना ना कोई देना। अब अचानक एक बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि उसी जंगल में बहुत ज़्यादा यूरेनियम अवेलेबल है, इसका कीमत बहुत ज़्यादा है बाहरी दुनिया में। तो वो बिजनेसमैन ट्राइबल लोगों को बेरहमी से मार के वो ज़मीन हासिल करना चाहते हैं। इसे समाज का एक डार्क साइड सामने आता है जो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अब इसी चीज़ का बदला लेने के लिए वही ट्राइबल कम्युनिटी से एक लड़का शहर में आता है, और आगे क्या होता है इसके लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। ये वेब सीरीज 8 एपिसोड से बनी है और हर एपिसोड का लेंथ 30 से 40 मिनट का है। इस सीरीज में प्रॉब्लम यही है कि थ्रिल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता आपको, और इसका एंडिंग प्रेडिक्टेबल है। ऐसा स्टोरी पहले भी बहुत बार स्क्रीन पे दिखाया गया है। हाँ, ये सब साइड पे रखा जाए तो ये सीरीज वन टाइम वर्थ वॉच तो है। अब आगे आपकी मर्जी। डायलॉग्स अच्छे हैं और सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से एस्टेब्लिश करने का काम भी करता है। BGM भी ठीक ठाक है, VFX बहुत बेसिक लेवल का है, बट बजट के हिसाब से ये इससे बेहतर नहीं बन सकता। डायरेक्शन की अच्छी बात ये है कि ये सीरीज के सारे एपिसोड को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, जो आपको ज़रा सा भी बोर नहीं होने देता। एक्टिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आदित्य रवाल एज सर जो अपने रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले किए हैं, उसका इनोसेंस आपका दिल जीत लेगा। आपको पता नहीं है तो बता दूं कि आदित्य परेश रवाल के सुपुत्र हैं, और हाँ, ये प्रूव होता है कि सारे नेपो किड खराब एक्टिंग करे ऐसा ज़रूरी नहीं। पत्रलेखा और सुमित व्यास का काम भी काफ़ी अच्छा है, और आशीष विद्यार्थी कहानी के मेन विलेन मतलब बिजनेसमैन रूबेन भट्टा का रोल को प्ले किए हैं, और वो ज़बरदस्त है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस अलग ही लेवल का है, जहाँ भी रहते हैं आपको नोटिस करने पे मजबूर कर देते हैं। बाकी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स का काम भी अच्छा है। प्रेडिक्टेबल है, पर यह सीरीज आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले साल। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।